कोलिजन्स का जो टॉपिक है, सिंपली कोलिजन का मतलब है दो बॉडीज का आपस में इंटरैक्ट करना और फिर सेपरेट हो जाना, ठीक। और हम इस चैप्टर में बॉल्स की या बॉडीज की कोलिजन के बारे में बात करेंगे। कई बुक्स में इस चैप्टर का नाम है कोलिजन्स एंड सेंटर ऑफ मास। मैं इसको दो पार्ट्स में करवाता हूँ। जब मैं कोलिजन की बात करूँगा सिर्फ कोलिजन ही करवाऊँगा, सेंटर ऑफ मास की बात नहीं करूँगा दो लेक्चर। जब सेंटर ऑफ मास करवाऊँगा तो सेंटर ऑफ मास करवाऊँगा और फिर हम इनको मिक्स करके कोलिजन एंड सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट इकट्ठे समझेंगे। तो सबसे पहले कोलिजन्स के अंदर, कोलिजन तीन टाइप की है। कोई भी दो बॉल्स की जब टक्कर होगी वो तीन किस्म से हो सकती है। पहली इलास्टिक कोलिजन, दूसरी इन इलास्टिक कोलिजन और तीसरी परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन एक ही बात है। मैं इन तीनों नामों का एक एग्जांपल देता हूं आपको कोलिजन का, आपको सारी कहानी एक सेकंड में समझ में आएगी। इमेजिन करो आपके पास एक बॉल है, आपने बॉल को 10 मीटर हाइट से छोड़ दिया, बॉल नीचे गई, आपके हाथ में मान लो वापस आ गई, आती नहीं है पर चलो मान लो वापस आ गई। इसका मतलब बॉल ने बिल्कुल भी एनर्जी लॉस नहीं किया, बॉल की काइनेटिक एनर्जी उसके पास है और वो काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हुई, फिर वो पोटेंशियल में वापस कन्वर्ट हुई, तो आपकी बॉल हाथ में वापस आ गई। इसका मतलब ये कोलिजन कौन सी है, परफेक्टली इलास्टिक है। दूसरा केस, इमेजिन करो आपने 10 मीटर से बॉल को घेरा, बॉल वापस 8 पे, 6 पे, 4 मीटर पे आ गई, तो वापस नहीं आई, कहीं ना कहीं लॉस ऑफ एनर्जी तो है। तो कोलिजन का टाइप कौन सा है, इन इलास्टिक। ज्यादातर कोलिजन इन इलास्टिक ही होती है, इलास्टिक को देखने को मिलती नहीं है, लेकिन पढ़ते हम ज्यादा इलास्टिक ही है, ठीक। लास्ट है, आपने बॉल को गिरा, बॉल गई ग्राउंड से टच किया, चिपक गई, सेपरेट ही नहीं हुई, गिली मिट्टी की तरह चिपक ही गई, वापस ही नहीं आई, 1% भी वापस नहीं आई, चिपक गई, नो सेपरेशन, तो ये परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है। तो तीनों कोलिजन्स क्लियर हो गई। आप कहोगे सर एक और है, मैंने कहा कौन सी, वो कहता जी बॉल को घेरा और वो क्रेजी बॉल थी और वो गई और वहां निकल गई, वो सिलेबस में नहीं है, सुपर इलास्टिक कोलिजन्स है वो इलास्टिक मटेरियल पर डिपेंड करता है, वो नहीं हम स्टडी करेंगे, नॉर्मल मटेरियल बात करेंगे, ठीक है। तो हमारी जो कोलिजन है वो बस एच से एच हाइट तक ही रहेंगे, उसके ऊपर नहीं जाएंगे। दुनिया की कोई कोलिजन हो, एक पॉइंट याद रखना, कभी गड़बड़ हो ही नहीं सकती। किसी भी कोलिजन में मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, चाहे वो इलास्टिक है, चाहे वो इन इलास्टिक है, चाहे वो परफेक्टली इन इलास्टिक है, मोमेंटम की वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी, बात ही खत्म है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी किसी में कांस्टेंट होगी, किसी में नहीं होगी, वो डिपेंड करता है कोलिजन टू कोलिजन। मैं आपको ये सारी बातें एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे पहली इलास्टिक कोलिजन है या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के अंदर मैंने जब ये बोलना है कि मोमेंटम कांस्टेंट है, इसका मतलब कोलिजन होने से पहले इस बॉल की वेलोसिटी u1 है और इसकी u2 है, कोलिजन हो गई, आफ्टर सेपरेशन वेलोसिटी v1 और v2 हो गई, ठीक है। ये टक्कर से पहले वेलोसिटीज है, टक्कर के बाद वेलोसिटीज है, इसकी वेलोसिटी u1 से v1 होगी, इसकी u2 से v2 हो गई। और जब मैं बोलता हूँ मोमेंटम कांस्टेंट है सिस्टम का, इसका मतलब टक्कर से पहले मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2, टक्कर के बाद मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2, इसे बोलते हैं लीनियर मोमेंटम सिस्टम का कांस्टेंट है। हमने पहले भी किया था कोलिजन्स के अंदर, क्या ये बात समझ में आती है। जब मैं बोलूंगा कोलिजन मोमेंटम कांस्टेंट तो क्या इक्वेशन अप्लाई करनी है, ये इक्वेशन अप्लाई कर देनी है। और अगर ये इलास्टिक कोलिजन है, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी का बिल्कुल लॉस नहीं है, काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट है, टक्कर से पहले काइनेटिक एनर्जी इस बॉल की कितनी है, हाफ m1 u1 स्क्वायर, इसकी कितनी है, हाफ m2 u2 स्क्वायर, इनका सम टक्कर के बाद हाफ m1 v1 स्क्वायर, हाफ m2 v2 स्क्वायर भी कांस्टेंट रहेगा। तो टक्कर से पहले और टक्कर के बाद काइनेटिक एनर्जी भी सेम रहेगी। हाँ, वेलोसिटीज का हेर फेर हो सकता है, कम ज्यादा हो सकती हैं, पर टोटल मोमेंटम और टोटल काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन सेम। पहला स्टेप समझ में आ रहा है कि इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की पहली क्या इसकी करेक्टरिस्टिक है,
मोमेंटम कांस्टेंट है सिस्टम का और काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट है सिस्टम की। लेकिन अगर यही बात इन इलास्टिक कोलिजन के लिए की जाए तो टक्कर से पहले मोमेंटम कांस्टेंट है तो ये इक्वेशन तो वैलिड है, एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इज एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू कांस्टेंट सही है, पर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पर एनर्जी लॉस होता है हीट और साउंड की फॉर्म में लॉस हो जाएगा। तो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल फाइनल बिल्कुल भी सेम आपने इक्वेशन में नहीं करना। समझ में आ रहा है यहाँ तक? मेन डिफरेंस समझ में आया दोनों में क्या है, इलास्टिक और इनइलास्टिक में? इलास्टिक और इनइलास्टिक में मोमेंटम कांस्टेंट है, इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट है, इनइलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं है। अब नेक्स्ट टाइप की कोलिजन कौन सी है? परफेक्टली इनइलास्टिक। जब इनइलास्टिक में ही एनर्जी कांस्टेंट नहीं है तो परफेक्टली इनइलास्टिक में भी एनर्जी कांस्टेंट नहीं होगी, पर मोमेंटम तो हर में ही कांस्टेंट है। ऑलरेडी डन, एक बुलेट आया, एक लकड़ के ब्लॉक में घुस गया, फिर इनकी सेपरेशन ना हो पाई, इकट्ठे चल पड़े, देर इज नो सेपरेशन, बुलेट बाहर ना पाया। हमने ऐसे कई क्वेश्चन किए, फाइंड कॉमन वेलोसिटी, वो एग्जाम्पल था परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का। हम कैसे करते थे इसे? टक्कर से पहले और टक्कर के बाद मोमेंटम सेम। टक्कर से पहले कितना m1 u1, इसका कितना जीरो, टक्कर के बाद m1 plus m2 into v कॉमन, यहां से v कॉमन निकलता था, याद है? तो ये तीन इक्वेशंस आपको पता होनी चाहिए किसी भी कोलिजन के क्वेश्चन को करने के लिए। तो मोमेंटम ने तो कांस्टेंट होना ही होना है, आपको इसमें कोई फॉर्मूला समझ में आए या ना आए, मोमेंटम को तो कांस्टेंट कर ही देना, और एनर्जी इलास्टिक में करनी है बाकी में नहीं करनी। तो ये इंट्रोडक्शन क्लियर है यहाँ तक? आपकी बुक्स कैसे भी कोलिजन करें, मैं कोलिजन को ऐसे करवाता हूँ, आपकी बुक्स तो मिक्स कर करके करवाती है, मैं ऐसे करवाता हूँ सिंपल। मैं कोलिजन को तीन हिस्सों में बांटता हूँ, मैं 1D 2D, मतलब पहले बॉल्स एक एक्सिस में आएंगी, टक्कर होगी उसी एक्सिस पे सेपरेशन होगी, दूसरे केस में टक्कर होगी एक इधर जाएगा एक इधर जाएगी बॉल। तो मैं करवाऊंगा इलास्टिक कोलिजन इन 1D एंड 2D, पहले 1D करेंगे एग्जांपल, फिर 2D करेंगे, फिर मैं एनर्जी लॉस लेके आऊँगा इन इलास्टिक 1D 2D, और परफेक्टली इन इलास्टिक में तो 1D है, जब सेपरेशन नहीं होगी तो 2D कहाँ से होगा, वो तो एक ही एक्सिस फॉलो करेगा। तो मैं इस सीक्वेंस में पांच किस्म के क्वेश्चन करवाऊंगा, 1, 2, 3, 4 और 5। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें?